अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका वेकअप इंडिया में। शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान का देश के कई हिस्सों में विरोध हो रहा है। लोग फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच शाहरुख खान ने बताया कि लोगों को उनकी नई फिल्म क्यों देखनी चाहिए। दरअसल शनिवार को शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर आस्क एसआरके सेशन किया था, जिसमें फैंस किंग खान से उनकी आगामी फिल्म से जुड़े सवाल पूछ रहे थे। एक यूजर ने एसआरके से पूछा कि कोई पठान फिल्म देखने क्यों जाए, जिस पर शाहरुख ने जवाब दिया कि मुझे लगता है कि मजा आएगा इसलिए। 15 मिनट के सेशन में एसआरके ने अपने करियर, परिवार और फीफा विश्व कप के बारे में कई सवालों के जवाब दिए। अब आइए जानते हैं कि आखिर देश भर में पठान का विरोध क्यों हो रहा है और इस विवाद के पीछे की वजह क्या है। दरअसल पठान के गाने बेशर्म रंग में दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की बिकनी पहनी है। विरोध करने वालों का कहना है कि भगवा रंग हिंदू धर्म का प्रतीक है और दीपिका इस रंग के कपड़े पहनकर बेशर्म रंग के बोल वाले गाने पर डांस कर रही हैं, जो कि काफी आपत्तिजनक है। भगवा जैसे पवित्र रंग का प्रयोग बिकनी के लिए करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। पठान कंट्रोवर्सी के बीच शाहरुख खान ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपना पहला सार्वजनिक बयान दिया है। गुरुवार को कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान ने इशारों इशारों में कहा कि दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, मैं और आप जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब जिंदा हैं। शाहरुख खान का इशारा सोशल मीडिया पर फिल्म को ट्रोल करने वालों की तरफ था। यूजर्स ने गाने पर चोरी का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि बॉलीवुड वाले ओरिजिनल कंटेंट बनाने के नाम पर ऑडियंस को भ्रमित करते हैं। पठान का बॉयकॉट करने वाले लोगों का ये भी कहना है कि वो उन कलाकारों की फिल्में नहीं देखेंगे जो जेएनयू में जाकर देश विरोधियों के समर्थन में खड़े हुए थे। आपको बता दें कि 7 जनवरी 2020 को दीपिका पादुकोण ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पहुंचकर छात्रों के प्रोटेस्ट में भाग लिया था। दरअसल जेएनयू छात्र संघ से जुड़े कुछ छात्रों पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया था। इस पर दीपिका जेएनयू पहुंची और करीब 15 मिनट तक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के सपोर्ट में खड़ी दिखी थी। दीपिका के इस कदम का उस समय भी काफी विरोध हुआ था। लोगों का मानना था कि दीपिका अपनी फिल्म छपाक के प्रमोशन के लिए जेएनयू पहुंची थी। उस समय छपाक को लेकर भी सोशल मीडिया पर बॉयकॉट ट्रेंड शुरू हुआ था। नतीजा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की पठान को लेकर 7 राज्यों में विरोध शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र में प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सहित 5 लोगों पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और अश्लीलता फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। हमें देखने और सुनने के लिए शुक्रिया। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए वेकअप इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।